वैसे आज ना हेमल ने अलग से फरमाइश की है कि उसे खाना है हॉट डॉग। गुड मॉर्निंग ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण। आज का व्लॉग भी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज भी आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल ना हेमल की फरमाइश इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि क्या बात बताऊं। मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे बाहर का खाना है और हेमल ऐसा बोलता है कि मुझे घर का खाना है। और यहाँ पर आप देखिए, आके भी रेडी हो रहे हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं? अरे आके अभी आया, वो धूल धूल सब कुछ उड़ रही थी ना, बहुत कल रात को कैसे तूफान है। अरे तुम्हें तो आना चाहिए था, मैं जब अमन को छोड़ने गए ना, हाँ अमन को हेमल छोड़ने गए ना, तो इतना तूफान आया था ना कि क्या बात बताऊं, कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ आपको वो सूट करने की जरूरत थी, बट आपको कहते हैं ना वेदर के हिसाब से, मैंने ही बोला था कि जल्दी घर पे आ जाएगा, क्योंकि भरोसा नहीं करना चाहिए। 5 मिनट में गया और 10 मिनट में आ गया। और कुछ वैसे आज ना हेमल ने अलग से फरमाइश की है कि उसे खाना है हॉट डॉग, खाना है ना, इसलिए वो बनाने जा रही हूँ अभी फिलहाल मैं किचन में। और आज ना हेमल मुझे हेल्प करेंगे। किसने ऐसी अफवाह फैलाई? मैंने अभी का अभी अफवाह फैलाई और ब्रेकिंग न्यूज जाहिर कर दी कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के एक हस्बैंड अपनी पत्नी को किचन में थोड़ी सी हेल्प करेंगे। शाबाश बेटा, वो अफवाह ही रहने दो। क्या करें, कुछ हेल्प नहीं करते, हमें ही खाना बनाना, हमें ही खाना, हमें ही सब कुछ काम रहता है। ले चुपचाप किचन में चलते हैं और खाना बना लेते हैं। मजाक कर रहा था, मैं भी मजाक ही कर रही थी। मुझे आप किचन नहीं, मुझे किचन में चाहिए ही नहीं। आप ये हेमल किचन में आते हैं ना तो काम बिगाड़ देते हैं, ऐसा करते हैं उल्टा उल्टा। नहीं, हमें तो प्रॉपर टाइमिंग का पता ही होता है ना। हेमल ऐसा बोलते हैं, चल ना जाए, देखो वो ऐसा हो गया है, इसमें सॉस कम लग रही है, ऐसे 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 बोलते हैं ना गुजराती। हाँ कुछ नहीं तो ऐसा बोलते हैं कि देखो जल मत जाना, ये मत करना, देखो प्रेशर कुकर में सीटियां हो गई है, इतनी हो गई, इतनी करनी थी, उससे अच्छा है मैं अकेले खाना बना लूं। सो धन्यवाद आपका। हाँ अगर थोड़ी कैमरे की हेल्प करनी हो तो आप आ सकते हैं। वैसे भी चलो, मुझे जाना नहीं है, खाना खाने के बाद जाना है। आप रात का लंच बोल रही थी अभी, हाँ। रात का डिनर करने के बाद जाइएगा। चलिए अभी फटाफट से मैं नीचे किचन में जाती हूँ और गरम गरम से हॉट डॉग बना। सब कुछ है ना, चीज वीज वो मस्त डालना ऊपर। कुछ से नहीं है यार, सिर्फ पाँव पे बटर लगा के मिलेगा। ऐसे तो नहीं जबरदस्ती खाना बनवा रहे हैं, मुझे नहीं खाना बनाना फिर भी। क्या सच सच बोलो, कुछ लोगों को लगेगा ये सच बोल रही है। टमेटा इसे सुधारते सुधारते कौन रुलता है? टमेटा नहीं, ये ओनियन है। आ, पहले ये ओनियन ने रुला दिया। बट ओनियन तो व्हाइट वाली है ना, फिर भी अमुक बोल रही है। अमुक कोई कोई होती है ना, अमुक हो ही। फटाफट से बोल दो क्या बनाने वाली हो। वो मैं बोल के कहा इतने बड़े बड़े अक्षर से। हाँ तो क्या है, प्रिपरेशन क्या कर रही हो? प्रिपेयर सब ऑनियन टमाटर चॉप कर रही हूँ। स्वीट कॉर्न को मैंने दोपहर को ही वो बॉइल करके रख दिया था तो वो रेडी है। बस इसमें टमाटो ऑनियन और थोड़े बहुत सॉसेस है वो बनाने बाकी है, सो वो भी बना रही हूँ। एकदम से ना इजीली बन जाता है घर पे, ये सिर्फ पाव बाहर से लेना पड़ता है। और सॉसेस वगैरह तो मेरे पास घर पे है ही, मेयोनीज है, टमाटो केचप है, सो वो सब चाहिए। अभी आगे आगे बनाती जाऊंगी, सो आप देखते जाइएगा। और हाँ थोड़ा टीवी का आवाज बैकग्राउंड में आएगा, थोड़ा क्या थोड़ा ज्यादा आएगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। चलिए अभी मिक्स कर लेती हूँ मैं मैंने सॉसेस को, जिसमें मैंने मेयोनीज एंड टमाटो केचप को मिक्स किया है। कोलगेट है तो कोलगेट खा लीजिए। वाह क्या सीन है, सॉस और कोलगेट। कोई कोलगेट ऐड करेगा, छोटे बच्चे होंगे तो। मेयोनीज है इसे अच्छी तरह से सॉस, टोमेटो केचप और मेयोनीज। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। और पावना मैंने ये लिए हैं रेडीमेड वाले, जो कि ये हॉट डॉग के ही आते हैं। अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए तो अभी ना मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है, क्योंकि ये इसके अंदर की जो फीलिंग होती है ना वो बनाई है मैंने। सो इसमें मैंने टमाटो ऑनियन और स्वीट कॉर्न और साथ में मेयोनीज, टमाटो केचप और थोड़ा सा बटर और साथ में चिली फ्लेक्स
और ओरेगानो, उन सब को अच्छी तरह से इसमें ऐड करके मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और देखिए प्रॉपरली हो गया है, इस तरह से रेडी कर देंगे। ये फिलिंग हो गई है, अब सॉस भी रेडी है, फिलिंग भी रेडी है और साथ में ढेर सारा चीज बन गया हॉट डॉग। आप गैस पे पकाना भी है तो पाव को पहले बीच में से कट कर लगा लूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता। सॉस सबसे पहले इस तरह से ऐड कर देंगे थोड़ा ज्यादा ताकि टेस्ट अच्छा लगे, क्वांटिटी ज्यादा हो ना, एंड उसके बाद ये जो फीलिंग बनाई थी ना हमने उसे ऐड करेंगे। जैसे ही फीलिंग ऐड हो जाएगी ना तो उसके बाद मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए इसलिए, और हेमल को अच्छा भी लगेगा। और लास्ट में है राजा यानी कि चीज, अभी निकालना बाकी और हाथ मेरे मिर्ची पाउडर वाले हैं। लास्ट में इसमें ढेर सारा चीज ऐड करेंगे। किस किस को चीज बहुत ज्यादा पसंद है? आपको पसंद है? मैं तुम्हें पसंद है? नो, तो खाना मत। मैं वैसे भी नहीं खाने वाली, चीज किसे पसंद नहीं होता, आजकल तो सब में चीज ऐड होता है और बच्चों का तो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। एक्स्ट्रा चीज डलवा रहे हैं मुझसे और अभी बोल रहे थे कि किसे चीज नहीं पसंद है, एक्स्ट्रा फिर एक्स्ट्रा चीज जैसे चीज खा खा के हो जाते हैं। चलेगा रिस, कभी कभी चलेगा, कभी कभी मैं मोटे हो जाते हैं लोग, इसलिए तुम कहना क्या चाहती हो मैं मोटा हूँ इसलिए? नहीं मैं ही हूँ मोटा। अब इसे कर देंगे हम पैक, रेडी है, खा लीजिए, रेडी खा लीजिए। पकाना है अब इसे, ढेर सारा बटर ऐड करके तवे पे। मुझे तो पकाती हो, धन्यवाद। चलिए अभी दोनों की दोनों यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे दोनों को अच्छी तरह से, वो दाबेली सेकते हैं ना इस तरह से सीखूंगी। सो तवा भी यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है। फ्राई करोगी? फ्राई का मतलब फ्राई करना है तो तड़ देती हूँ, फ्राई नहीं करना है, सिर्फ ढेर सारा बटर लगा के इसे वो सिकना है, रोस्ट करना है। यस, जैसे आप मुझे करते हैं। और कुछ? देखो इसने तो स्टार्ट भी कर दिया। तो मैं थोड़ी ना वेट करूंगी, गर्मी कितनी है, देर सारा। ये क्या लगा रही हो? ये बटर है, बटर को कुछ इस तरह से ग्रीस करेंगे पहले। पाव को एक एक करके रख दूंगी। अब ना इसे लो फ्लेम पे हम लोग 5-10 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे एंड देन उसके बाद रेडी। सो अब रेडी होने के बाद सीधा मिलती हूँ। गाड़ी 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 गाड़ी। चलिए तो गरम गरम से हॉट डॉग यहाँ पे रेडी है जो कि मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल से। बाहर तो किस तरह से मिलते हैं ना वो मुझे नहीं पता है, ये मेरी अपनी रेसिपी है। पाव सिर्फ हॉट डॉग के होते हैं, फिलिंग वगैरह मेरा होता है और इसे खाएंगे हम लोग मेयोनीज एंड टमाटो केचप के साथ। और आज की प्लेट यहाँ पे रेडी है, ये स्पेशली मैंने हेमल के लिए बनाया है। सो हेमल इसे खाएंगे और अब मैं ना बना बना के भी थक गई हूँ और इसे देख देख के भी थक गई क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है ना, खाने को भी मन नहीं करता आजकल, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तीस ही गर्मी थी गई है, तीस ही। ये समस्या है रे, क्या बोलने का, बस बस। चलिए वो क्या होता है ना, रिच किचन में होते हैं ना तो गर्मी ज्यादा लगती है, खाना भी मन नहीं करता कि खाना खा लेते हैं। चलिए अभी व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's